नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बच्चे जो भाग रहे हैं ना उनको बोलो भागना नहीं। ओ बच्चों सब चुपचाप बैठ जा वहां पर ऊपर कौन है ये बच्चों को देखो तो सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित प्रतिपादकर समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जब ऐसे ऐसे गुरु वर्गों की जो कथा हम सुन रहे हैं इनकी धारा में हम लोग आए हैं। समझो एक जन्म का भाग्य से नहीं ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का सुकृति से हम लोग तभी इसी धारा में हम लोग जुड़े हैं। ये इतने सौभाग्य हमारी है भागवत का एकादश स्कंध में बताए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते क्योंकि ये युग ही कलयुग है जहां पर केवल कलह कलह लड़ाई लड़ाई। लेकिन इसी कलयुग में कहते सत्य त्रेता और द्वापर सत्य युग तो कृत युग मानी जाती है त्रेता युग तो जानते हो जहां पर भगवान राम राज्य है द्वापर युग में जहां पर कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म आए जो धर्म चार चरण में थे। लेकिन उसी युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों जन्म लेना चाहते हैं बोले कारण है ये कलयुग कोई साधारण कलयुग नहीं कदि धन्य कलयुग है क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में आकर के वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं जिस प्रेम के लिए कहते ब्रह्मा विरिचिर बांछित जय प्रेम जगत खरीला ढाली कांगा ले पाया खाया नाचिला बाजाया करता। जिसको प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा भी शंकर भी उद्धव भी और नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं जिस प्रेम के लिए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ये कलयुग में आकर के वो दुर्लभ प्रेम को ज्यादा कोई परिश्रम नहीं कहते बाजाया कर ताली कर केवल हाथ में थोड़ा ताली बजाते हुए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु दुर्लभ प्रेम को प्रदान की और वह हमारे गुरु वर्गों ने वही प्रेम को ही देना चाहते हैं। आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे हमारे श्री महाराज जी संजय प्रभु बहुत अच्छी बात कर रहे थे। अभी अभी कुछ कुछ लोग हमारे गुरुदेव को दिखा रहे हैं नारायण गोस्वामी महाराज रागानुगा रूपानुगा की बात करते हैं वो अनधिकारी की चर्चा करते हैं कहते नहीं अनधिकारी का चर्चा नहीं। इसलिए महाराज एक बार की बात कह रहे थे बोले महाप्रभु ये जगत में क्यों आते हैं और जगत में क्यों आए हैं वो इसलिए आए वो अनर्पित चरित्रात प्रेम को देने के लिए जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो प्रेम को वो देना चाहते हैं यही चीज को देने के लिए आए। और जितने हमारे गुरु परंपरा में देखो श्री माधवेंद्रपुरी से लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर इन लोगों ने यही प्रेम भी दिया इसी धारा को ही दिया है। इसलिए हमारे महाराज जी कृपा किए उसका केवल एक बूंद देने के लिए उन्होंने कोशिश की है
इसलिए कोई अनधिकारी नहीं, लेकिन हमारे लक्ष्य सही रहनी चाहिए, भले कितने जन्मों के बाद मिले। इसलिए आज हम लोगों ने श्रवण किया है, वो विरह शब्द का मतलब आप लोगों ने श्रवण किया है। इसलिए उन लोगों ने विरह शब्द को व्याख्या किया है, कहते वास्तव में गुरु वैष्णव कहीं नहीं जाते, आज गुरुदेव से विरह दिखते हैं। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया, गुरुदेव ये बात को कहा करते थे, जो वैष्णव लोगों को दिखाई पड़ता है चले गए वो क्या चीज है। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कथा सुनाते हैं। बोले एक समय एक राज दरबार में कोई एक जादूगर आया, बोले आज मैं अपना जादू विद्या को दिखाऊंगा। वो अपना बीवी और दो बच्चों को लेकर के आया था, उन्होंने इतने सुंदर हाथ की सफाई दिखाई, इतने सुंदर उन्होंने जादू विद्या दिखाई, पूरा राज दरबार रानी मंत्री सबके सब वहां बैठे हुए थे। इतने में रानी उसको देख करके इतने प्रसन्न हो गई, गले से एक बड़ी कीमती हार को निकाल करके उन्होंने उसकी पत्नी को हाथ में दे दिया। पत्नी को हाथ में देते ही वो पत्नी, इतने में उनको दो बच्चे थे, एक साथ में झपटे, बल ये हार हमें चाहिए। अभी दोनों बच्चे दोनों तरफ में पकड़ कर खींच रहे, कोई देने के लिए तैयारी नहीं। इतने में दोनों के पास था तलवार, और एक साथ में दोनों ने मैदान से अपना तलवार भी निकाली और दोनों दोनों को एक साथ में प्रहार किया, तो दोनों का सर शरीर से अलग हो गया। जब उसकी पत्नी ने देखा मेरे दोनों बच्चे ही गए, तो उसने भी तलवार उठाया, भी अपना गले को काट दी। इतने में उसको पिताजी ने जब देखा मेरे दोनों बच्चे गए, पत्नी भी गई, फिर रह करके मैं क्या करूंगा, उसने भी अपना गले को वहीं पर काट लहूलुहान हो गया। वहां पर जो इतने आनंद, सब आनंद सबके सब दुख में परिवर्तन हो गया। राजा बड़े दुखी हुए, रानी बड़ी दुखी हुई, हमने ये हार हमने क्यों दिया, ये हार हमने देव दिया क्यों, बोले ये शरीर कुछ लोग संस्कार कर दो। जब उसको संस्कार कर दिया, दो दिन बाद में एक लेटर आया, बोले महाराज महारानी हमारे प्रणाम को स्वीकार करें, आपके राज दरबार में हमने जो पहला दिन जादू का विद्या दिखाया, हाथ की सफाई हमने दिखाई, अब तो पहला उपहार में एक हार दिया है, लेकिन हमने जो अंतिम जो जादू विद्या दिखाई अब तो उस वक्त दिया ही नहीं, हम मरे नहीं, हमारा ये एड्रेस है, हम लोग पति पत्नी बच्चों के साथ में यहाँ आनंद पूर्वक यहाँ पर है, अगर विश्वास नहीं हो देखने के लिए। राजा ये पत्र पढ़ रहे हैं, बोले हमारे सामने देखा मर के सबके सब शरीर छोड़ दिए, उनका शरीर को संस्कार भी हो गई, कह रहे हम यहाँ पर। उन्होंने मंत्री को रानी को बुलाया, सबके सब बड़े आश्चर्य हुए, बोले चलो हम देखने के लिए चलते हैं। जब गए देखा वो व्यक्ति पान खाते हुए मुस्कुराते हुए अपना बीवी के साथ में दोनों बच्चों के साथ में आ रहे। राजा तो देख देख कर हैरान हो गए, बोले ये क्या है। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती अभी बात कहते ही, अगर एक जादूगर अगर ऐसे अपना हाथ को सफाई दिखा सकता है, लेकिन जो गुरु वैष्णव है वो गुरु वैष्णव कौन है, हाँ ये गुरु वैष्णव कौन, ये कोई साधारण नहीं, हाँ ये सबके सब कहते ना संसार दावा नल लीघ लोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम प्राप्त स कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। जो गोलोक वृंदावन से है, गोलोक वृंदावन से ये राधा रानी के नित्य किंकर ये सबके सब है। राधा रानी स्वयं अपना किंकरियों को आदेश देते हैं, जाओ जा करके ये जो कृष्ण विमुख में जीवों को उन्मुख करके मेरे पास में आओ। इसलिए उनको विरह, हम कोई जब गुरु वैष्णव कोई शरीर छोड़े हम मरना शब्द प्रयोग नहीं करते, क्या बोलते हैं, विरह महोत्सव, महोत्सव शब्द प्रयोग करते हैं, वो रोना रोना शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, बोले महोत्सव किया। बोले महोत्सव मतलब है यहाँ पर तो दिखाई पड़ा हमारे गुरु वर्ग, यहाँ पर अंतर ध्यान किया, लेकिन गए कहाँ, वो गए कहाँ, बोले वो लोग अपना नित्य स्थान में, अपना नित्य धाम में, राधा कृष्ण की जुगल की महाप्रभु सेवा में, ये सब कैसे महाप्रभु सेवा में जब जाते हैं, कहते गोलोक वृंदावन में वहां पर विराट उत्सव होता है, एक मंजरी एक सखी ने जा करके इतने कृष्ण विमुख व्यक्तियों को कृष्ण उन्मुख करके यहाँ पर विजय कर रहा है, इसलिए वहां पर बड़ा उत्सव होता है गोलोक वृंदावन में। इसलिए कहते विरह महोत्सव शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए मरना शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कौन है, देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। जब एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था, एक समय सेवा कुंज का पुजारी
उसने कुछ सेवा कुछ का प्रसाद लेकर के आया। वहां पर माधव महाराज थे, बोले गुरु जी से मैं मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ। बोले मुझे दे दो, मैं गुरु जी को दे दूंगा। बोले नहीं, कोई विशेष बात है। बोले क्या विशेष बात? बोले गुरु जी को ये बात बताऊंगा। तो उन्हें जब गुरु जी को पास में लेकर के आए, वो स्वयं सभा को उसका पुजारी स्वयं कहता है, बोले राधा रानी ने मेरे को स्वप्न दिया है, ये जो नारायण महाराज है ये मेरी मंजरी है, ये मेरी सखी है, तुम कल ये प्रसाद लेकर के तुम श्री नारायण महाराज को दे करके आना। वो स्वयं उन्होंने गुरुदेव की बात बताई, और गुरुदेव के पास में कोई प्रसाद लाए तो गुरु जी जरूर कुछ ना कुछ प्रणाम भी देते हैं। जब गुरु जी कुछ प्रणाम देने के लिए गए, बोले नहीं, हम सबसे प्रणाम लेते हैं लेकिन आपसे हम प्रणाम नहीं ले सकते, क्योंकि राधा रानी स्वयं मेरे को स्वप्नादिष्टम ये बात बताए, स्वप्नादिष्टम ये बात बताए, मतलब स्वयं राधा रानी जिसके लिए स्वयं प्रसाद, राधा रानी स्वयं भेजती है प्रसाद। इसलिए हम ऐसे एक महापुरुष की चरण में हम लोगों ने जो आश्रय दिए हैं और उनको जो दर्शन की और उनको जो सान्निध्य प्राप्त की, समझो हम लोग कोई साधारण भाग्यवान नहीं, हम लोग विशेष विशेष भाग्यवान हैं। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। कहते हमारे जो महाराज श्री है, इनके अद्भुत अद्भुत इनकी लीला है, अद्भुत अद्भुत इनकी दिव्य कथा है। हम थोड़ी समय कोशिश करेंगे इनकी महानता को सुनने के लिए। श्री कुंती माता श्री कृष्ण को कहती है, बोले कृष्ण जिसको पास में चार चीज हो ना, वो कभी तेरा भजन नहीं करता है। चार चीज नहीं, अगर जिसको अंदर में एक भी गुण आ जाए वो तेरा भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या है? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि रेत मान मदमान। ये चार चीज में अगर एक गुण आ जाए ना, कहते प्रभुता पाई और काम बदनाई, चार में एक चीज आ जाए तो भजन करेगा नहीं। बोले पहला नंबर क्या? बोले जन्म। दूसरी नंबर बोले ऐश्वर्य। तीसरा नंबर श्रुत ज्ञान। और चौथा नंबर श्री। लेकिन हम देखते हैं हमारे गुरु जी के अंदर में ये चार वस्तु संपरिपूर्ण रूप में गुरु जी के अंदर में था। जैसे जन्म, गुरुदेव कहाँ पर जन्म हुए हैं? गुरुदेव साधारण जगह पर जन्म नहीं हुए, वो बिहार का बक्सर में जन्म ग्रहण करे। ये बक्सर क्या है? कहते श्री हमारे जो ऋषि हमारे विश्वामित्र ऋषि की वो यज्ञ भूमि है, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता वनवास में जहाँ पर वहां पर निवास किया है। इसलिए जो स्थली में गुरुदेव जन्म ग्रहण किए वो अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली था ऋषि की। और कौन सा वंश में जन्म हुए? साधारण वंश में नहीं, ब्राह्मण कुल में। बोले साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण में भी नीचा जाति ऊंचा जाति होता है। हमारे महाराज जो जन्म ग्रहण किए उच्च ब्राह्मण घर में जन्म हुई। बोले जन्म, बोले ऐश्वर्य। बोले गुरुदेव उस समय कौन सा काम करते थे? बोले उसमें पुलिस अफिसर। आपको पता होगा भारतीयों को, पुलिस अफिसर अगर कोई हो जाए ना, ऐसे रुपया आता है झरी जैसे आते हैं। आप नहीं चाहने पर भी आपको जोर जबरदस्ती आपको रिश्वत देकर जाएंगे। हाँ, और पुलिस अफिसर में काम करते थे, मतलब पैसा की इस तरह से घर में कमी नहीं थी। ऐश्वर्य बोले श्रुत। श्रुत मतलब होता है ज्ञान। मैंने जब पहले मैं मथुरा मठ में आया, मैं पहले था पुरी में, मेरे बचपन से मेरे मन में यही इच्छा होती थी हम हरिकथा सुनेंगे, हरिकथा सुनेंगे, हरिकथा सीखेंगे। मैंने कभी कभी पूछता था ऐसे कौन है जो ये हरिकथा सिखाता है। उसी समय में किसी ने कहा था, एक व्यक्ति नारायण महाराज नामक एक व्यक्ति, वो मथुरा में रहते हैं, मथुरा में सारे बच्चों को हरिकथा सिखाते हैं, एक नारायण महाराज। केवल मैंने पहली ही बात हमने सुना था, लेकिन जब किसी कारण से मैं मथुरा मठ में आया, सचमुच से देखा, जैसे हर गौड़ीय मठ में देखा ना, केवल एक बार ही कहीं हरिकथा होती है। जब मैंने मथुरा मठ में आया, देखा कथा की गंगा की नदी बह रही है वहां पर। मैंने मेरी अनुभूति की बात में बता रहा हूँ, नदी बह रही थी। अगर कोई गुरु वर्ग का तिथि आए तो मैं स्वयं देखा गुरुदेव चार चार बार बैठ करके स्वयं कथा करते थे, चार चार बार, सवेरे एक बार, उसके बाद में फिर 10 बजे बैठते थे, बैठ करके जैसे पुष्पांजलि देते हैं, फिर शाम को फिर 4 बजे बैठते थे, उसके बाद में फिर जब आरती हो जाती है संध्या आरती, उसके बाद में गुरुदेव फिर बैठते थे। गुरुदेव उसी समय गुरुदेव स्वयं नहीं बोलते थे, जो ब्रह्मचारी होते थे सन्यासी होते थे उनको बोलते थे, तुम हरिकथा बोलो, तुम हरिकथा बोलो, तुम हरिकथा बोलो। इसलिए गुरुदेव सबको उत्साह दे करके हरिकथा की शिक्षा देते थे। देखो ये मेरी अनुभूति है, दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में
अगर थोड़ी सी कोई हरिकथा सीखने कोशिश करे, थोड़ी सी श्लोक सीखने के लिए कोशिश करना, जो सीनियर होते हैं और टांग खींचने के लिए कोशिश करते हैं। अगर ये हमसे ज्यादा नहीं सीख जाए, इसका नाम नहीं हो जाए, लेकिन केवल मैं मथुरा में आकर के ये चीज को देखा, केवल गुरु जी को अंदर में ये चीज आकर के देखा, जो हरिकथा की विशेष रूप में बोलते थे गुरुदेव, उसको विशेष प्रेम करते थे, विशेष प्यार करते थे। गुरुदेव कहा करते थे, ये मठ में थे ईट पत्थर ही गुरु जी का सर्वस्व नहीं, गुरुदेव का जो भावना है, जैसे हर पिता चाहता है, गुरु जी का वाणी, हर पिता चाहता है, पिता जो बिजनेस करता है बाद में वो बिजनेस को ठीक ठीक रूप में कौन बच्चा चला सकेगा। हमारे भक्ति जगत में असली बिजनेस क्या, बोले महाप्रभु का वाणी, महाप्रभु की धारा। हर गुरुवर्ग यही आकांक्षा लेते हैं, मेरे बाद में महाप्रभु का जो शुद्ध वाणी को कौन आगे बढ़ा पाएगा। अगर गुरुवर्ग ये चीज को देखते हैं, गुरुदेव सबसे ज्यादा गुरुवर्ग उसमें प्रसन्न सबसे ज्यादा होते थे। इसलिए केवल हमने महाराज जी को देखा, इस चीज का अंदर में जो हरि कथा सीखते हैं उनके ऊपर में गुरु जी की विशेष दृष्टि थी। इसलिए मैंने जब मथुरा मठ में आया, जब एकदम नया नहीं आया था, मेरी उम्र करीब 20 साल होगा, एक दिन गुरु जी ने बोले तुम हरि कथा बोलो। बोले गुरुदेव मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी मैं नया नहीं आया था। गुरुदेव बोले मेरे तो आदेश तू पालन करूंगा, तेरे आदेश मैं पालन करूंगा। देखो गुरुदेव का कितना चेष्टा है। तब गुरुदेव बोलते देखो, जब किसी गुरुवर्ग के चरण में हम पुष्पांजलि देते हैं, हरिकथा बोलते हैं, हरिकथा नहीं केवल उनके चरण में एक पुष्प चढ़ाना होता है। कोशिश करो उनके चरण में कम से कम ठाकुर का पिता बोले एक पुष्प अर्पण करो। फिर मैं खड़े होकर के, फिर हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर बंगला जाता था, हमारी भाषा उड़ीसा है, इसलिए मैंने किसी तरह से थोड़ी कथा का सुनाए, लेकिन शरीर से ना पसीना पसीना बह गया सब इतना। फिर आया बड़े देव प्रभु का तिथि, गुरुदेव एकदम शांत, फिर गुरुदेव बैठे तीन बार कथा कर गई। और गुरुदेव बोलते थे पहला व्यक्ति जो चीज को बोल देगा बात में उसको रिपीटिंग नहीं करना, नया बात बताओ। पहले तो दो तीन व्यक्ति को खड़े कर दिए, अभी कुछ बचा है मेरे को, बोले रसानंद तुम बोलो। बोले गुरुदेव सब तो बोल दी, गुरुदेव मेरे को इतने डांट लगाए, बोले घर में खाना नहीं मिलता था, तुमने पिता माता की सेवा को धोखे देकर वहां पर आया, पिता माता की सेवा तुमने नहीं की, वहां भी धोखे दिए, और यहाँ पर आकर के भी गुरुवर्ग को धोखे दे रहे हो। किसने मंदिर में आया, खाने और सोने के लिए आया, सबको सामने गुरुदेव मेरे पैसे आंट लगाए ना, मैं तो इतने शर्मिंदा हो गया। उसको देखो गुरुवर्ग का शासन कितने कल्याणदायी, देखो गुरुवर्ग जब शासन करते हैं, मैंने ना एक बार गुरु जी की डांट को लगा, जब देखता था पंचांग में कौन गुरुवर्ग का तिथि कब आएगा, मैं देखता था, अगर जो गुरुवर्ग का तिथि आएगा ना उसको मैंने पढ़ना शुरू करता था। ऐसे करते 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 मैंने फिर उसको बात ऐसे कथा बोलना शुरू किया, कोई भी तिथि आता था गुरुदेव मेरे को सबसे पहले खड़ी करते थे, मेरी कथा को सबसे पहले गुरुदेव मेरे को खड़ी करते थे। मतलब गुरुवर्ग अगर कोई शासन करते हैं, उनका शासन में कितने शक्ति है, शासन नहीं वो कृपा करते हैं गुरुवर्ग। इसलिए गुरुदेव ऐसे, उन्होंने गुरुदेव ऐसे बच्चों को उन्होंने हरिकथा शिक्षा दिया करते थे। गुरुदेव हम गुरुदेव को उदाहरण देते हैं, जैसे गुरुदेव जैसे श्री जीव गोस्वामी का हम उदाहरण देते हैं, एकदम जीव गोस्वामी, और जैसे श्री जीव गोस्वामी के चरण में आए कौन, नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास तीनों आए, ये कोई भी गुरुदेव का शिष्य नहीं, कोई भी नहीं थे, लेकिन जीव गोस्वामियों ने उनको तीनों को उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दिया, और तीनों ने एक दिन संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। कहते ठीक उसी तरह श्री गुरु जी की चरण में ठीक ऐसे आदर से देखने को मिलता है। देखो गुरुदेव एक जो महापुरुष थे लक्षण किया है, अक्सर करके दुनिया में देखना कभी ये मेरे चला वो इसका चला वो इसका चला उसको चला में बात मत करो, हाँ ये मेरे चला वो मेरे चला, लेकिन गुरुदेव कहते अयमी का परवेति गणना लघु चतसा उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंबको, ये मेरे ये तेरे कौन ही सो बात करता है जिसका हृदय बहुत छोटा है, लेकिन उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंबको। गुरुदेव का हृदय इतने महान था, वो सारा दुनिया को अपना परिवार समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचे वो इसका शिष्य ये इसका शिष्य ये इसका शिष्य। गुरु जी के चरण में जो कोई आए गुरुदेव ने सबको उन्होंने हरि कथा की शिक्षा दिया। देखो जैसे मैं कहीं और किसका शिष्य हूँ,
भक्ति वृंदावन से जैसे हम वहां पर दामोदर महाराज गए, वहां पर श्री पद्मनाभ महाराज स्वामी महाराज से नवीन स्वामी महाराज से आए, और श्री भक्ति वेदांत सिद्धार्थी महाराज कांस भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज से आए, मधुसूदन महाराज भक्ति जीवन जनार्दन महाराज से आए, सचमुच से गुरुदेव इन्हों को ऐसे उन्होंने सिखा गुरुदेव ने दिया, ऐसे गुरुदेव ने सिखा दिया जैसे जीव गोस्वामी ये तीनों को तीन दिशा में भेजे, और ये तीनों व्यक्ति संपूर्ण दुनिया में भगवत प्रेम को प्रचार किया। उसी तरह श्री गुरुपाद पद्म भी महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आचिजत नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार थैवे मरुना, कति महाप्रभु का भविष्यवाणी था एक दिन कैसे आएगा संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी गली गलियों में शहर शहर में सब लोग आनंदित होकर के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सचमुच से गुरुदेव ने अगर ये वाक्य को संपूर्ण रूप में गुरुदेव ने सक्सेसफुल किया है, देखो अभी संपूर्ण विश्व में गुरुदेव का सारे शिष्य अभी संपूर्ण दुनिया में सारे शिष्य भी प्रचार कर रहे हैं, सारे शिष्य गुरुदेव का दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ रूप में प्रचार करते गुरुदेव का शिष्य लोग भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए एक जीव गोस्वामी का आदर्श। और केवल इनकी जो सन्यासी की तो बात छोड़ दो, इनकी जो सन्यासी लिए हुए महाराज से वो तो इतनी अच्छी कथा करते हैं, बोले सन्यास की बात छोड़ दो उनके जो शिष्य में जो ब्रह्मचारी लोग है आप सोच नहीं सकते कि ब्रह्मचारियों में इतने सुंदर सुंदर हरिकथा बोलते हैं, जैसे बंसी वदन प्रभु उत्तम प्रभु विजय प्रभु आप लोग सब नाम सुने होंगे, इन लोग इतने कभी इनके ब्रह्मचारी की बात छोड़ दो इनके जो भक्त लोग गृहस्थ में रहते हैं ये लोग कितने कथा हमारे संजय प्रभु की कथा सुन रहे थे और हमारे श्री रोहिणी शुक्ल प्रभु की कथा सुन रहे थे और आप लोग ने रामचंद्र प्रभु का जानते हो और जितने जितने कितने गुरुदेव का जो बहुत बहुत सारे सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, कहते भैया इनकी गृहस्थ में पुरुष लोगों को कथा छोड़ दो, कहते गुरुदेव का जो माताएं मतलब जो लड़कियां वो भी इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, इनकी कथा भी अद्भुत है, आप लोग जानते हो उनकी शिष्या के अंदर में इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए गुरुदेव कैसे उन्होंने प्रचार किया कैसे प्रचार की जैसे बताया था ना टच स्टोन थे सारा दुनिया को उन्होंने कृष्ण भक्ति रंग में रंगा दिया। और गुरुदेव का जो भावना है जन्म ऐश्वर्य श्रुता और श्री श्री मतलब होता है सौंदर्यता। मैं जब सबसे पहले मैं मथुरा में आया उस समय ठंडा का समय था, मैं आया पुरी से, जब गुरुदेव को देखा गुरुदेव का फोटो देखो जब गुरुदेव को देखा ना मैंने सोचा तो ये कोई भारतीय ये कोई अंग्रेजी, और उनका जो आंख को देखो आंख में जो पुतला देखो अक्सर कहते सब काला काला होती है लेकिन गुरुदेव का पुतला तो रंग कैसे बता दो नीले रंग का है। इसलिए जब मैं गुरुदेव को देखा मैंने कहा ये भारतीय नहीं कोई विदेशी है, मतलब गुरुदेव का रंग देखने में इतने सुंदर गुरुदेव का रंग देखने में थे। और गुरुदेव जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया कितने उम्र में संन्यास लिया है 26 साल उम्र में लिया है, उसी तरह गुरुदेव भी उन्होंने भी 26 साल अवस्था में जैसे श्रीमान महाप्रभु अपना विष्णु प्रिया को छोड़ करके इतने सुंदरी विष्णु प्रिया को छोड़ करके महाप्रभु संन्यास लिया, जब श्री गुरुपाद पद्म आए सबसे पहले कहा है नवद्वीप में, देखो शिष्यों के साथ में गुरु जी का कितना संबंध है, उनने कोई पत्र नहीं लिखा मैं आ रहा हूँ नवद्वीप में, लेकिन हमारे भक्ति प्रख्यात केशव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज को बोले एक तिवारी नाम कोई एक व्यक्ति आएगा, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का कोई सुविधा नहीं था वो रात में आएगा, इसलिए महाराज सोच रहे थे मैं जब आऊंगा मैं जाऊंगा कहां, मठ में देखा ही नहीं केवल सुना ही यहाँ पर गौरिया मठ, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके हृदय से देखो कैसे नित्य संपर्क है शिष्य और गुरु जी की, इन्होंने पहले से ही बामन गोस्वामी महाराज को भेज दिया। और ये महाराज जी जब नवद्वीप रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्व अफ्रीका कोई वहां इलेक्ट्रिक नहीं था वो सोच रहे थे कहा जहाँ क्या करो, किसने आकर बोला तिवारी है कोई, तिवारी कौन है तिवारी, गुरुदेव बोले भैया तिवारी कौन बोल रहे मैं तो तिवारी हूँ, हाँ वो तिवारी ब्राह्मण तिवारी कौन है तिवारी कौन बोल रहा है, तो बोले मैं तिवारी हूँ आप कहाँ से आए, बोले गुरुदेव ने आपको लेने के लिए हड़की नहीं होता है ना लंठन हाँ वो लेकर के आए, तो आप उसको सुनकर गुरुदेव रोने लग गए, बोले मैं तो कोई पत्र ही नहीं लिखा लेकिन गुरुदेव स्वयं मेरे को यहाँ लेने के लिए गुरुदेव स्वयं यहाँ पर भेजे। इसलिए गुरुदेव जब आ गए उनकी पत्नी इनकी पत्नी मैंने देखा है एक बार मथुरा में आए थे
क्या गुरुदत्त का नृत्य तो देखो कितने सुंदर है, उनका जो पत्नी का जो शरीर का रंग है ना इससे ज्यादा सुंदर है, इतने सुंदर उनकी पत्नी थी, अद्भुत थी, मैंने देखा उनको पत्नी को, जैसे महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ करके जैसे उन्होंने गए उसी तरह गुरुदेव भी उन्होंने अपना पत्नी को इतना उम्र में 26 साल में और दो उनकी छोटी छोटी बालिका थी लड़की थी, आपको आप तो हिंदू है आपको पता होगा हिंदू लोग छोटी छोटी दो बच्ची है पत्नी और घर में कोई नहीं, कोई पति छोड़कर जा सकता है, इसलिए गुरु जी के अंदर में महाप्रभु का जो आदर्श है ये संपूर्ण रूप में महाप्रभु का आदर्श को गुरु जी को जीवन में दिखाई पड़ता है। जब फिर उनको परिवार लोग लेने के लिए आए, जो लेने के लिए आए इनको तो लेकर गए, लेकिन गुरुदेव जाकर के सारा रात पत्नी को उन्होंने हरि कथा सुनाई और उन्होंने पत्नी को हरि कथा सुना करके फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर आ गए मंदिर में आ गए और उन्होंने गुरु जी की जो सेवा किया महाराज ने, इसलिए कहते इनका नाम क्या था, बोले नारायण, इनका नाम क्या था, सर नारायण भक्ति प्रदान सर नारायण गोस्वामी महाराज, कहते जो नारायण जो शब्द है, कहते जो घर में इनका भी नाम था नारायण, जब उन्होंने ब्रह्मचारी ग्रहण किए उनका नाम हो गया गौर नारायण, जब उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया क्या नाम था, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, एक समय एक वैष्णव बोल रहे थे वास्तव रूप में नारायण है, बोले कैसे, बोले नारायण का मतलब क्या है, बोले नर मतलब होता है जितने जीव और अयन मतलब होता है आश्रय, इसलिए भगवान का नारायण सब जीव को जिसमें आश्रय देते हैं, सचमुच से उन्होंने कोई उन्होंने मेरा तेरा नहीं सोच करके उन्होंने संपूर्ण विश्व के लोगों को उन्होंने अपना चरण में आश्रय दिया। आप तो देखे होंगे जिस समय गुरुदेव हरि कथा करते थे कितने एक साथ में 30-25-40 सन्यासी एक साथ में गुरु जी के चरण में बैठे थे, कोई भी गुरु जी के पास में आए गुरुदेव को कभी उन्होंने पराया उन्होंने नहीं सोचा, अभी जब संजय प्रभु बता रहे थे ना गुरुदेव ने इसको अपने पराया नहीं सोचा, सबको वो अपना समझते थे। अब गुरु जी के अंदर में एक विशेष बात मैंने पास से रहकर देखा, जब गुरुदेव किसी से बात करते ना उनको लगता था गुरुदेव से आज हमें ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जितने उनको गुरुदेव ऐसे सबके साथ में बात करके लगता था गुरुदेव मेरे को छोड़कर और ज्यादा किसी को प्रेम किसी को ज्यादा करते नहीं, क्योंकि ये गुण किसके अंदर में होता है और सबके अंदर में गुण नहीं होता है केवल महापुरुष अंदर में ये गुण होता है, इसलिए नारायण मतलब है समस्त सारे जीवों को जो आश्रय दे, नारायण का दूसरा अर्थ है नर मतलब होता है रस और अयन मतलब होता है आश्रय, जो संपूर्ण रस का आश्रय आप लोग श्रवण कर रहे थे ये गौड़ीय वेदांत समिति का तीन पिलर थे, भक्ति वेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज भवन गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, कहते तीन पिलर रूप में संपूर्ण ये गौड़ीय वेदांत समिति टिका हुआ था, इसलिए तीनों को तीन रूप देते हैं, कहते श्रीला भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज कहते ये ब्रह्मा है, बोले ब्रह्मा जी का काम क्या, बोले सृष्टि करना, कि वही पहले ये दीक्षा मंत्र यही देते थे, कहते हैं शंकर जी का काम क्या, बोले संहार करना, कहते श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को संहार का स्वरूप देते थे, क्यों, उन्होंने कठोर वाणी को द्वारा अपना हृदय से, अभी हमारे ये प्रभु बोल रहे थे लोहिणी से प्रभु बोल कभी तुम शादी नहीं करना कल बता दे ना, इसलिए वो ऐसे ऐसे वाणी बोलते थे ना उनकी कथा सुनकर सबसे सब ब्रह्मचर्य किया होते, ऐसे ऐसे ये कथा सुनाते थे, और भक्ति वेदांत हमारे नारायण गोस्वामी महाराज इनको स्वरूप देते थे, कहते ये से यहाँ की कभी से पालन करने वाले नारायण सचमुच ये नारायण है, क्योंकि सब जीव को, इसलिए अगर महाराज जी नवदीप परिक्रमा से अगर इसको देखते ना कोई छोटा नया बच्चा आया है गुरुदेव उसको साथ ले मथुरा में ले आते थे और मथुरा में लाकर गुरुदेव उनको सारे शास्त्र भागवत गीता वेद पुराण गुरुदेव सब को उन्होंने सब शिक्षा देकर उनको ट्रेन करते थे, सचमुच से महाराज के अंदर में ऐसे उनका अंदर में प्रभुता थी, एक गुरु भाई ना अब देखो आप गुरु जी को सम्मान कर सकते हो, एक गुरु भाई को सम्मान करना बड़ा कठिन था, तेरे तेरे से फर्क क्या है, हम गुरु भाई है, लेकिन हमने देखा उनका जो गुरु भाई भक्ति वेदांत परिजन महाराज वहां पर आचार्य महाराज सन्यासी महाराज उनको जो गुरु भाई थे हमने देखा उनको साष्टांग प्रणाम करते थे, उनको साष्टांग प्रणाम करते थे महाराज जी को जिस समय हम पहले आए, क्योंकि गुरुदेव के पास में जितने उनको समिति में जितने सन्यासी सबके सब गुरु जी के पास में सबके सब इन लोगों ने हरि कथा सीखे है और हरि कथा सीख करके दुनिया में उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया है, इनको गुरु भाई लोग भी इनको प्रणाम करते थे, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इनसे सीनियर है, हम जो मथुरा में रहते थे ना वो छुप करके महाराज का जो प्रणाम जाता था वो आकर जब कोई नहीं होता तो प्रणाम करते चले जाते,
हमने खुद ये चीज को देखा, मतलब महाराज जी को अगर में एलिश आचार्य तो इसलिए कहते आचार्य किसको कहते हैं, बल्कि पुस्तक अगर में दो गुण होनी चाहिए, कहते आचार करे ने केवल ना करे प्रचार, और प्रचार करे ने केवल ना करे आचार, और आचार प्रचार नामे कर दो कार्य। कोई व्यक्ति आचरण नहीं करता है प्रचार करता है, कोई प्रचार करता है कोई आचरण नहीं करता है, लेकिन गुरु जी का धर्म में ये दो चीज पूर्ण रूप में गुरु जी का धर्म हमने देखा। गुरु जी का हमने भी बहुत दिन तक सेवा किया महाराज जी को, मैंने कुछ दिन जब से माधव महाराज कहीं चले जाते थे ना, तब मैं गुरु जी को घर में भी कभी कभी विश्राम किया। गुरुदेव कैसे करते थे देखो, भले ही गुरुदेव जितने बार जब विश्राम करना कर लेते थे गुरुदेव, देखा जन्माष्टमी का दिन समझ बज करी एक दो बज जाता था, तभी भी मैंने देखा गुरुदेव एकदम अपना ढाई तीन बज चल जाए, किसको डिस्टर्ब नहीं करके पास में हाथ मुंह को धो लेते और खटिया पर बैठ जाए, बैठ कर माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तो गुरुदेव एक लाख हरिनाम पूरी नहीं कर देते थे हमने देखा, तब तो गुरुदेव कुछ भी भजन भोजन नहीं करते थे, पूरा एक लाख हरिनाम करते हुए फिर सारा दिन में और एक लाख हरिनाम फिर गुरुदेव करते थे। कि इतना नहीं, गुरुदेव एक दिन स्वयं कह रहे थे, उनका मुंह से हमने सुना है, एक दिन गुरुदेव बोल रहे थे जैसे छह गोस्वामियों का जो अष्टक है, बोले संख्या पूर्वक नाम गान नदी काला वसाद कृतो निद्रा आहार विहार काद विजितो चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सम्मितो बंदे रूप सनातन रघु जुगो श्री जीव गोपाल। गुरुदेव खुद एक दिन बोल रहे थे, ये जो श्लोक में बताया ये छह गोस्वामी ने कैसे भजन किया, जहां पर हमारे गिरधारी गौड़ी मठ गोवर्धन में बैठे होंगे वहां पर दो मंजिल मकान था, गुरुदेव वहीं पर कुछ दिन भजन किए हैं, इसलिए वो ज्यादा बोलिए हैं। गुरुदेव कहते थे मैं कभी कभी चार तरफ पानी भरा होता था, गुरुदेव कहते थे कभी ब्रजवासियों घर से थोड़ा मधुकरी लेता था, लेकिन मेरे पास में स्टोव होता था उसको मैंने करके थोड़ा खिचड़ी बना दिया, लेकिन रोटी मांग कर ले आए ला करके रोज गिरिराज करी रोज दो लाख हरिना। और गोस्वामियों ने जैसे ग्रंथ अध्याय गोस्वामी का, और जैसे गोस्वामी ने रो रो करके हे राधे प्रज देवी के चल ललित नंद सुन कुतो, जैसे गोस्वामी लोग जैसे रो रो करके हरिनाम करते थे, मैं ऐसे ही रो रो करके ऐसे में हरिनाम करता था। इसलिए गुरुदेव का तो समय हो गया है, इसलिए गुरुदेव का बहुत बहुत गुरुदेव का आदर्श अद्भुत आदर्श गुरुपाद पद्म की, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं जो कि हम लोग श्री गुरु जी की शरण में आए और हम लोग दो मिनट देखो बाबन गोसाई महाराज का दो मिनट कथा सुन लेता इनकी कथा सुन लिया। बाबन गोसाई महाराज आप लोगों ने श्रवण किया है कि बाबन गोसाई महाराज ये प्रभुपाद का चरण आसन है, और हम लोग तो बड़े होने पर यहाँ पर जाकर गुरु जी का आश्रय लिए, कहते उनको जो पिता माता दी उसी लोग भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोसाई प्रभुपाद का चरण आसन है। कौन सा देश से आए जानते हो, पूर्व अंगला। ये पूर्व अंगला क्या जानते हो, जब श्री महाप्रभु ये दुनिया छोड़कर गए अपना प्रेम को उन्होंने पद्मा नदी को पास में रखकर गए, बोले पद्मा मैं जा रहा हूँ बाद में एक बहुत बड़ा महापुरुष आएगा ये प्रेम उनको दे देना। उन्होंने पूछा पता कैसे चलेगा, बल्कि उनका चरण स्पर्श होते ही वो पानी अपने आप उठने लग जाएगा, तभी समझना वही महापुरुष। जब श्री नारदम दास ठाकुर आए उनका चरण स्पर्श होते ही वो पानी अपने आप उठने लग गया, वो पानी उफनते समय एक हवा आई, वो हवा जिस तरफ में बहते हुए गया उस देश को पवित्र कर दिया। इसलिए जितने हमारे गुरुवर्ग में जितने जो भक्ति प्रज्ञा के सब गोस्वामी महाराज ओटली महाराज मेरे गुरुदेव ये सब के सब घर से आए, किधर से वो हवा केवल जिधर से गया था केवल वो हवा, मतलब इस सब के सब महापुरुष महाप्रभु का प्रेम जिन पर शरीर को स्पर्श किया है। अब ये मैया के पेट में रहते हुए भजन करते थे, बोले कैसे, बोले मैया भजन करती थी, मैया जब खाना खाती कौन सा प्रभुपाद का आसन है प्रसाद पाती थी पेट में बच्चा क्या खाता है महाप्रसाद पाता है, मैया मंदिर परिक्रमा करती बच्चा भी पेट में, जब मैया परिक्रमा करती है बच्चा क्या करता है वो भी परिक्रमा करता है, मैया हरिनाम करती है बच्चा पेट में क्या करता है सुनता है, मैया प्रणाम करती है पेट में बच्चा वो क्या करता है वो भी प्रणाम करता है। इसलिए एक संत कह रहे थे ये पेट से ही ये भगवान महाप्रभु भजन करने वाले, और इन्होंने जब मंदिर में आए उन्होंने एक विशेष आदर्श दिखाया, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना तब तक मेवा नहीं मिलता, इसलिए इनका नाम सज्जन सेवक प्रभुपाद नाम रखा, सेवक में सज्जन है। जैसे श्री व्यास देव को श्री नारद जी कहते हैं, बोले नारद जी व्यास देव कहते हैं,
जब तक साधु की कृपा नहीं होगा, जब तक साधु सेवा नहीं कोई करेगा, कितना वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन द्विकर शिखर पापे श्री कृष्ण चरण, इनका जीवन केवल साधु सेवा में ही इनका जीवन गया और सारे